आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अपनाहियत का एहसास हुआ। अरे बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और तुम्हारा खुलूस और अपनाइयत देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो। आंटी खलूस और अपनाहियत तो दौलत के तराजू में नहीं तोली जाती ना। बच्ची खुश रहो। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है तो बेटा पुराना, मगर नहीं आंटी, दिस इज टू मच, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं बेटा, असल में इसने मुझे बताया ही नहीं और तुम अचानक आ गई। अगर मुझे पता होता तो मैं कोई और सोने की चीज तुम्हारे लिए बनवा लेती, लेकिन अब तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। तुम पहली दफा तो मेरे घर आई हो, और हो ना हो भाई, मेरी होने वाली बहू भी तो हो तुम, शगुन के तौर पे रख लो। लेकिन आंटी ये मैं, पर रुबाब, प्लीज रख लो, अम्मा को बुरा लगेगा, बहुत सेंसिटिव है ये। यू श्योर? हाँ हाँ क्यों नहीं, प्लीज। जी आंटी। आंटी माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ में। मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत तोहफा है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। थैंक यू सो मच। बस खुश रहो। अब निकलने में बहुत लेट हो रही हूँ। अब हाँ, क्यों नहीं, चले। अम्मी, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ बाप। हाँ, ठीक है। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश अपना रहो। ख्याल रखिएगा। बिल्कुल।